महात्मा पूर्णानंद जी की पुण्यतिथि पर खरड़ स्थित गांव नया शहर बडाला के शिव मंदिर में नवपरायण कथा करवाई गई। गीगा जी ने बताया कि 200 साल पुराने इस प्राचीन मंदिर में महात्मा पूर्णानंद जी ने 16 दिसंबर वर्ष 1977 में समाधि ली थी। जब यह गांव बसा था तभी से यह मंदिर स्थापित किया गया था। महात्मा जी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन हर साल किया जाता है। श्री रामायण की कथा वाचन की जाती है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। संतों सहित समाज के गणमान्य लोग आयोजन में कथा सुनने आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। गीगा जी ने बताया कि इस आयोजन में पंजाब और हरियाणा तक से साधु संत शामिल होते हैं। भंडारे के आयोजन में गांव के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। श्री श्री 108 श्री महात्मा पूर्णानंद जी का जिहड़ा है वार्षिक भंडारा मनाया जा रहा है। वार्षिक भंडारा मतलब पुण्यतिथि। महात्मा पूर्णानंद जी 4 फरवरी 1968 नूं इस मंदिर विच आए सी। इस दे विच ते उस टाइम बिल्कुल खंडर सी और खड़ दी चुंगी पा के रहे और आहिस्ता आहिस्ता इस डेरे का जिहड़ा है वो विकास हो रहा। 16 दिसंबर 1977 सप्तम दिवस सप्तम तिथि शुक्ल पक्ष सवेरे 4 बजे पूर्णानंद जी अपना चोला छड़ के प्रभु चरणा च जा विराजे। 1 जनवरी दिन एतवार 1978 महात्मा पूर्णानंद जी का 16वां किया गया। उस तो बाद अज तक जिहड़ा गुरु महाराज महात्मा पूर्णानंद जी का वार्षिक भंडारा मनाया जाता है और इस मंदिर के अंदर साल च 3 कथा होंदियां। राम जी की कथा जो है उसके 3 तरह की कथा होती है। एक तो होती है अखंड रामायण, वो होती है 24 घंटे। एक होती है नवपरायण, वो होती है 9 दिन की। और एक होती है मास प्रायण, वो होती है 30 दिन की। 30 मास 30 प्रायण 30 अध्याय है, 1 अध्याय रोज होता है उसमें, वो 30 दिन की कथा है। मंदिर है बड़ा पुरातन मंदिर है। 1827 दे अंदर ये नगर नया शहर जड़ा है वो बसिया सी। ये पहला जड़ा है उस टाइम महाराजा पटियाला भुपिंदर सिंह की रियासत होंदी सी पैपसू। ते पैपसू दे अंदर ये जड़ा खरड़ शहर है ये होंदा सी जिला अंबाला। नवा शहर जड़ा था वो 154 बीघे की आबादी च महाराजा पटियाला तो गोयल परिवार के पूर्व जना ने रजिस्ट्री कराई फिर इस नगर नूं बसाया। नाल ही जदों नगर वसिया नगर का खेड़ा देवता का विस्तार कराया गया ते स्थापना करी नगर खेड़े की क्षेत्रपाल देवता की। फिर शिव भोलेनाथ का शिव जी का मंदिर स्थापना हुई ते उदों ते ये धूना भी बड़ा पुराना सैकड़ों साल पुराना धूना है। लोगों का सहयोग होता है जो कोई अपना जिस जो इस डेरे में स्थान में गुरु जी में जिनकी आस्था है वो लोग आते हैं और जिनका जो श्रद्धा होती है वो अपना दान पुण्य करते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।